चमोली में बीते 7 दिनों में एक वाहन और उसमें सवार 2 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना से स्थानीय लोगों और प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और लापता लोगों के परिजनों और ग्रामीण सहित सभी ने 7वें दिन पिंडर नदी के किनारे सर्च अभियान चलाया, लेकिन घटना में लापता लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के सकुशल सम्पन्न हो जाने के बाद हरिद्वार डीएम और एसएसपी ने गंगा पूजन कर दक्ष मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। डीएम एसएसपी ने पूरा प्रशासनिक अमलर के साथ हर की पौड़ी पर मां गंगा का पूजन कर वहां से जल लाकर भोले की ससुराल कहे जाने वाले तक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। ऋषिकेश के इंद्रमणि बडौनी चौक पर हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। यहां खाकी वर्दी में तैनात ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान, समुदाय विशेष के होने के बावजूद सावन के शिवरात्रि पर नीलकंठ जाने वाले कावड़ियों की सेवा करते हुए नजर आए। भाईचारे को ऊपर उठाते हुए अनवर खान ने अपनी पूरी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर 1.25 क्विंटल के खीर का प्रसाद कांवड़ियों को वितरण किया। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर आचार्य ऋषि कुमारों और परमार्थ परिवार के सदस्यों ने वैदिक मंत्रों और दिव्य शंख ध्वनि के साथ शिव अभिषेक कर विश्व मंगल की प्रार्थना की। स्वामी जी ने कहा कि शिवरात्रि जीवन में आए विषाद, कड़वाहट और दुख को पीकर आनंद से परमानंद की ओर बढ़ने का संदेश देती है। केदारनाथ में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। हालांकि मौसम के चलते जो गोचर से MI-17 और चिनूक से रेस्क्यू होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण रेस्क्यू नहीं हो पाया। अब उसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अब मौसम को देखते हुए रेस्क्यू अभियान में कुछ चेंजिंग की गई है। MI-17 ने गोचर उड़ान भरकर गुप्तकाशी चारधाम हेलीपैड पहुंच चुका है, जो केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू करेगा। बिजनौर में फर्जी तरीके से संचालित नर्सिंग होम में एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। नाराज परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर हंगामा किया। देर रात हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। बाद में घटना को लेकर दोनों पक्षों का समझौता होना बताया जा रहा है। बाराबंकी में प्रशासनिक अधिकारी, बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग से आदिल वारसी सेवा निर्वृत्त हुए। इस मौके पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने समारोह आयोजित करके आदिल वारसी को विदाई दी। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने मिर्जापुर के बड़े माफियाओं में से एक गैंगस्टर अपराधी चुन्नू यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति कुर्की है। गाजे बाजे के साथ भारी संख्या में पुलिस पहुंची और अवैध तरीके से अर्जित की गई भवन जमीन को कुर्क किया। पुलिस द्वारा कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग 4,36,00,000 बताई जा रही है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने मिर्जापुर के बड़े माफियाओं में से एक गैंगस्टर अपराधी चुन्नू यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति कुर्की है। गाजे बाजे के साथ भारी संख्या में पुलिस पहुंची और अवैध तरीके से अर्जित की गई भवन जमीन को कुर्क किया। पुलिस द्वारा कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग 4,36,00,000 बताई जा रही है। बदायूं से दातागंज रोड पर बाइक सवार पति पत्नी पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया। हादसे में पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के निर्देश अनुसार समाजवादी पार्टी की 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पूर्व जिला अध्यक्ष शिव शंकर यादव के नेतृत्व में सावित्री के घर अतरौली कला गांव पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल ने घर और परिजनों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष शिव शंकर यादव ने फोन से अहरोरा थाना प्रभारी से वार्ता करते हुए कहा कि कोई निर्दोष व्यक्ति ना फंसे, घटना का सही तरीके से खुलासा होना चाहिए। कन्नौज के छिबरामऊ में 6 दिन पहले चोरी करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हिस्ट्री शीटर मामा भांजी के अंतर्राज्यीय गिरोह ने बंद कमरे से चोरी की थी। अजीत पर 25 तो शैलेंद्र पर 28 मुकदमे दर्ज है। चोरी की गए लाखों की कीमत के जेवर सहित नकदी, तमंचा और चोरी के कारतूस बरामद किए गए हैं। भीम आर्मी चीफ काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आज अम्बेडकर नगर पहुंचेंगे। इस दौरान कटहरी विधानसभा के रामलीला मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। किच्छा में अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा चला है। वन विभाग की गश्ती दल ने मुखबिर की सूचना पर अवैध उपखनिज ले जा रहे ट्रैक्टर ट्राली को सीज कर दिया।
पीलीभीत में विजय सिंह ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी बहन शालिनी की शादी 5 मार्च 2024 को नरेश सिंह के साथ हुई थी। आरोप है कि सास, ददिया सास, नंदन ससुर उक्त लोगों ने अतिरिक्त दहेज में बुलेट, मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए नगद की मांग की है। मांग पूरी न होने पर आए दिन उसकी बहन को प्रताड़ित करते हैं। इसी मारपीट में पीड़ित महिला को छत से धक्का दे दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। युवक ने अपनी बहन के ससुरालियों पर कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की है।